अज मैं सोचा कि वैजीटेरियन रेसिपीज़ तो बहुत हो गई ने, सो कुछ नॉन वेज वाले वास्ते भी बनाया जाए क्योंकि उन्होंने फिर फेयर नहीं है। सो अज मैं बना रही हाँ अचारी चिकन। सो मैं यूज़ किया है वन होल चिकन जिहड़ा कि विद बोनस है। तुसी बोनलैस भी चिकन बना सकते हो, विद बोन भी बना सकते हो। सो लैट्स स्टार्ट। अचारी चिकन बनाने वास्ते मैं ले है वन टी स्पून ऑफ सौंफ और फैनल सीड्स, वन टी स्पून ऑफ मस्टर्ड सीड्स और सरों के जोड़े दाने होंगे वो, एंड वन टी स्पून ऑफ फेनोग्रिक सीड्स और मेथी सीड्स, हाफ टी स्पून मैं लिया है कलौंजी और लाइक ब्लैक क्यूमन यू कैन से, वन टी स्पून मैं लिया है जीरा और क्यूमन सीड्स। सो टू लिया ने मैं रेड चिलीज, तो एक लिया मैं लाइम भी लै सकते, तुसी लैमन भी लै सकते हो। सो वन नींबू, तो वन कप लिया मैं योगर्ट। सो वन होल चिकन एंड टू लेने मैं टमेटोज, वो बना ली है प्योरी। सो टू स्मॉल टमेटोज थी प्योरी एंड टू स्मॉल मैं ले अनियंस, उन्होंने मैं रफली चॉप कर लिया, बहुत ज़्यादा बरीक नहीं किया। एंड टू टेबल स्पूनस ले मैं जिंजर एंड गार्लिक, सो फ्रैश जिंजर एंड गार्लिक है ना जी, उन्होंने मैं बस ग्राइंड कर लिया। सो अबाउट टू टेबल स्पूनस। सो लैट्स स्टार्ट नाउ। हूँ मैं एक लिया पैन, वो मैं ऐड कर दाँगी ऑयल, लाइक अबाउट थ्री टेबल स्पूनस ऑफ ऑयल। सो ये जाएगा थोड़ा जो ऑयल गर्म हो जाएगा ना, सो ये मैं ऐड कर दाँगी अपनी सारी जिन्हें भी सी स्पाइसेस लिया ने। सो मेथी सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, सौंफ, लौंजी एंड जीरा, ये सब कुछ ही असं ये ऐड कर दाँगी। बस इन एक दो सैकेंड थोड़ी देर भुजन देवे, ज़्यादा लाल नहीं इन होने देना, बस थोड़े जो हो गए फिर असी ऐड कर देंगे अपनी रेड चिलीज। रेड चिलीज ऐड करने के बाद मैं ये ऐड कराँगी अनियंस। बस अनियंस में असी थोड़ी कु देर ही इदा ये भुजन देना, बस टू टू थ्री मिनट्स इन्हों होने के बाद फिर मैं ये ऐड कर दाँगी जिंजर एंड गार्लिक। बस इन सब भी कट्ठे असी बस कुक कर लेना टू मिनट्स वास्ते, तो फिर भी ये ऐड कराँगी टमेटो सीखे हुए, बस टू मिनट्स इनू इस तरह ही असी भुजन देना। टू थ्री मिनट्स इनू इस तरह ही कुक होने के बाद असी ये ऐड कर देंगे टमेटोज की प्योरी। सो टमेटोज की प्योरी के नाल ही मैं ये ऐड कराँगी वन टी स्पून ऑफ देगी मिर्च एंड वन टी स्पून ऑफ हल्दी टर्मरिक एंड वन टी स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर। बस ये सब चीज़ हूँ असी कुक हो देना टू मिनट्स वास्ते। हूँ एक वन टू टू मिनट्स हो गए हैं इन कुक होंगे हुए, हूँ असी ये ऐड कर देंगे चिकन। बस ये सब असी चंगी तरह कर देना मिक्स, तो मिक्स करन दे बाद असी इनू इस तरह ही कुक हो देना फाइव मिनट्स के वास्ते। तो फाइव मिनट्स वास्ते असी इनू इस तरह ही मिक्स करके ये ढक्कन लगा देना, तो इनू कुक हो देना फाइव मिनट्स वास्ते। इनू असी लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकन देना, इस पॉइंट पर गैस ज़्यादा हाई ना करो। सो बस इतने असी दे देनी है लिड। सो लो टू मीडियम फ्लेम पर असी इनू इस तरह ही कुक करांगे फाइव मिनट्स। तुसी विच विच ना इनू कड़छी दे नाल एक दो मिनट हिलाते रहना ता कि चिकन है कल्ले पैन के नाल स्टिक ना हो। सो एक दो बारी ना इनू विच विच थोड़ा थोड़ा हिला देना, तो फिर ये लिड वापस दे के ना इन्हें कुक होने देना सी इस तरह ही फॉर फाइव मिनट्स।
सो हुण 5 मिनट्स हो गए है चिकन नु कुक होंदे होए लेट्स सी सो हियर आई नोटिस कि जदों मैं जिहड़ा चिकन है वो वॉश किया सी वाटर एंड विनेगर दे नाल ओदा जिहड़ा पानी है ना वो इहदे विच हुण नज़र आ रिहा है सो ओहदे विच थोड़ा पानी रह जाता जी तुसी चिकन नु वॉश करते हो पानी ते विनेगर दे नाल सो वॉश करके मैं उन्होंने पीसिस कर ले सी ते आ हुण पानी जिहड़ा ना वो चिकन पानी जिहड़ा था छड़ रहा है सो तुसी इस पॉइंट ते नोटिस कर लियो कि जे ते तुहानू उहदे विच पानी नज़र आया तो फिर तुहानू ज़्यादा इहदे विच वॉटर ऐड करन दी लोड़ नहीं हैगी ते जे इहदे विच वॉटर नहीं तुहानू कोई नज़र आ रहा तुहाडा चिकन थोड़ा ड्राई ड्राई है क्योंकि तुहाडा पानी जिहड़ा तुसी वॉश किया ऑलरेडी चिकन जिहड़ा ड्राई हो गया सी तो तुसी इस पॉइंट ते थोड़ा जिहा इहदे विच वॉटर ऐड कर सकते हो अदरवाइज इहनू इस तरह ही कुक होण दिओ लाइक तकरीबन इहदे विच लाइक 1 कप दे अराउंड वॉटर होना चाहिए सो इहदे विच ऑलरेडी वॉटर हैगा और मैं थोड़ा जिहा होर ऐड करांगी बिल्कुल थोड़ा जिहा सो अगेन जे तुहाडा चिकन थोड़ा ड्राई है उहदे विच कोई वॉटर नहीं हैगा तुसीं इहदे विच 1 कप ऑफ वॉटर ऐड कर सकते हो एट दिस पॉइंट ज़्यादा वॉटर नहीं असीं ऐड करांगे ते नाल ही जाएगा सॉल्ट मैं पहला अगेन तुहानू हमेशा कहिंदी आ कि मैं थोड़ा ही सॉल्ट ऐड करदी आ सो मैं 1 टीस्पून ही सॉल्ट ऐड कीता सो सॉल्ट असीं एट द एंड चैक कर सकते हैं जे जरूरत होएगी तो असीं होर ऐड कर देंगे सो बस इहनू असीं हुण इस तरह ही इहनू ढक देना लिड लगा देनी उपर ते असीं कुक होण देना है फॉर फ्यू मिनट्स लाइक फॉर अनदर 5 मिनट्स इहनू इस तरह ही लो टू मीडियम गैस ते असीं कुक होण देवांगे हुण मैं जिहड़ा इह 1 कप योगर्ट लिया ना इहनू मैं लाइटली इस स्पून दे नाल इस तरह बीटन योगर्ट बना लिया इहनू लाइक इहदे विच तुहानू कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सो लाइक इह स्मूथ होना चाहीदा है सो बस स्पून दे नाल ना तुसीं इस तरह नू हिला के इहनू पतला कर लेना है ते हुण असीं आ योगर्ट ऐड करांगे चिकन दे विच हुण तुहानू थोड़ा नज़र आ रहा कि चिकन भी थोड़ा कुक हो गया है तो जो चिकन में थोड़ी जी ही कसर रहेगी ना बस फिर असीं इहदे विच ऐड कर देंगे हुण योगर्ट तो योगर्ट ऐड करके ना असीं नाल नाल इहनू हिला देना है ताकि इहदी जो भी है विच उल्टियां ना बनन सो बस इस तरह इहनू असीं मिक्स कर देना है तो चिकन नू असीं फिर कुक होण देना है फॉर अनदर 5 मिनट्स इस तरह ही फिर असीं लिड है जिहड़ी ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਢੱਕ ਕੇ 5 ਮਿੰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁੱਕ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਰਟ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਿੰਬੂ ਸੋ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੁਈਜ਼ਰ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਕੁਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਮੈਂ ਜੋ ਨਿੰਬੂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕੋਈ ਸੀਡਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਲਿਓ ਸੋ ਬਸ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਿੰਬੂ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਿੰਟ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਬਸ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਲਟ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਲਟ ਪੈਪਰ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਇਹਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਕੁੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਿਕਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਲੀਵਸ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਮਨ ਐਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਟਰਨ ਆਫ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿੰਗ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਥਿੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਬਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਸਾਡਾ ਅਚਾਰੀ ਚਿਕਨ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਟੇਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਵਿਊਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਮ ਪੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸੀ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਸੂਨ।